वेलकम वन लेजेंडरी टीचर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ इंडिया हु हैज वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ केमिस्ट्री, अमित महाजन सर. यू कैन कॉल हिम एएम सर एंड ही डज नॉट टीच एट नाइट. I hope you get that joke. So, 18 plus years of teaching experience, worked as HOD of chemistry in various institution. 18 plus years. कई लोग बच्चे यहाँ 18 साल के होंगे. मतलब तुम जब पैदा हुए थे सर पढ़ा रहे थे. ठीक है. मतलब you were in the hospital and sir was teaching chemical bonding at that time. ठीक है. And ex professor and academic head non medical in a reputed institute. Ex professor and HOD of chemistry. UGC NET qualified AIR 67. NET is an examination जो होता है बच्चों research scholars के लिए होता है, PhD के लिए होता है. तो वहाँ पे सर ने 67 All India double digit rank, then gate qualified. It must not be qualified. ये operator का गलती है. Qualified नहीं है. Gate topper होगा, net topper होगा with AIR 5111. नहीं, दो बार 5111. So आज मैं बहुत खुश हूँ. मैं अपने बच्चों को देख रहा हूँ परेशान. Attention नहीं है. मैं इतना खुश हूँ ना कि हाँ चलो आपने मौका दिया मुझको आके बताने का ये बात कि ऑफलाइन के बहुत से टीचर्स हैं जो हमेशा रेडी रहते हैं फिजिक्स वाले साथ आने को एंड जिनके अंदर ये क्वालिटी होती है. सो लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द वेरी एक्सपीरियंस्ड. इतने एक्सपीरियंस नहीं, सामने से यंग लगते हैं. ठीक है. एक्सपीरियंस मतलब वो नहीं, अमित महाजन सर. सो हियर वी हैव अमित महाजन सर. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? और आज यहाँ पर मौका मिला आपसे पहली बार मिलने के लिए, बट ये पहली बार भी मेमोरेबल होगा और ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है. सर अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे पर्सनल लेवल पे ये है. आपने 18 प्लस इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस बताया है. सर आप कब से पढ़ा रहे थे? मतलब आप 12 साल से, आप 28-30 के होंगे है ना? व्हाट यू लेकिस 28 or 30, तो आप कब से पढ़ा रहे हैं सर? नो, आई एम नॉट 28 or 30. मतलब कि एज ज्यादा है, बट आई डू नॉट लुक दैट डैम ओल्ड. ठीक है. एज नहीं बताने का बच्चों, एज किसी से भी नहीं पूछनी चाहिए, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो. ठीक है. बट व्हाट आई एम सेइंग कि रीच जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी हमारी यहाँ पे. ठीक है. एंड बहुत मजा आएगा. मतलब इट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर यू सर. मतलब व्हेन आई सी दिस 18 प्लस इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि सर पहली बात तो 18 साल आपने इतना पढ़ाया, अब आप ऑनलाइन में आ रहे हैं. सो व्हाई यू स्विच्ड ऑनलाइन आफ्टर सो मच? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन आज स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन वॉज देयर. आप ऑनलाइन में क्यों आए? एंड जब आप आए तो आपने फिजिक्स वाला को क्यों प्रेफर किया और क्या डिफरेंस रहा ऑफलाइन से ऑनलाइन में? कैसे आपने डिसीजन मेक किया? सर एक्चुअली द मेन रीज़न इज रीच. जैसे मैंने पहले भी बताया, रीच आप ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, आपका रीच जो है वो ईयर कुछ लाइक कुछ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ रहता है. 1,000, 2,000, 3,000, हाथ ज़्यादा हो जाएगा 5,000. यहाँ पर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ बच्चे तो अभी लाइव देख रहे हैं. 72,000 आप रीच देखिए. अगर मैं ऑफलाइन में ही रहता और 20 इयर्स रहता ऑफलाइन में, तो शायद ये मेरा लास्ट टारगेट होता. ठीक है ना, ये जो मेरा लास्ट में होता कि हाँ भाई 20 इयर्स और पढ़ा लिया, अब रिटायर हो रहे हैं, तब 72,000 होता जो आज है. ठीक है. सो दैट इज द मेन रीजन. एंड सेकंड, अब बहुत टाइम है, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, फॉर श्योर. ठीक है. और एंड द सेकंड थिंग इज व्हाई आई चूज फिजिक्स वाला. ठीक है. दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव. लेट्स बी फ्रैंक. ठीक है. दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव. जो कॉस्ट आप ऑफलाइन या ऑनलाइन में भी कहीं पर आप देखते हैं एक्स है, तो हमारा कॉस्ट एक्स बाई 10 है. True. या एक्स बाई 20 है. ठीक है. लेट्स कंपेयर इट. आई हैव सीन इट ऑल. ठीक है. तो आई हैव सीन इट ऑल. सो दैट्स वाई जो रीच है आपका. ठीक है. एंड आपका टीचर होने का मकसद जो है, ठीक है, वो सिर्फ सैलरी नहीं है, वो आप एक अच्छा अमाउंट नहीं है, आप क्या समाज को दे रहे हैं. मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत कुछ दिया है. वेयर आई एम टूडे, आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीचर्स. वेयर एवर आई एम, ठीक है, इट्स 95% माई टीचर्स. ठीक है. 4% माई पेरेंट्स एंड 1% माई लाइक हार्ड वर्क और वट एवर यू वॉन्ट टू से की लक. ठीक है. बट सब कुछ जो है वो टीचर्स के कारण है. आज मैं क्या दे रहा हूं समाज को वापस, मैंने आपसे एक बात शेयर नहीं करी, मैंने लाइव के लिए ही छुपा के रखी हुई थी कि आज सुबह ही हम बात कर रहे थे, सॉरी इवनिंग में बात कर रहे थे, आज सुबह ही ऐसा हुआ है कि आज सुबह ही मैंने कुछ स्टूडेंट्स को बोला है कि मैं ही उनको फ्री पढ़ाऊंगा अगले साल भी. ठीक है. आज ही सुबह मैंने कमिटमेंट किया, मैंने बात बताई दी थी आपको. ठीक है. तो उसका कारण है कि हमारी भी समाज के प्रति कोई जिम्मेवारी बनती है. ठीक है. कॉस्ट जो है, अगर कहीं का एक्स है, एक्स कोई अफोर्ड नहीं कर सकता यार, या बहुत ही रेयर जो पीपल होंगे वो एक्स को अफोर्ड कर पाएंगे. ठीक है. बट द कॉस्ट हियर इज एक्स बाई 20. दैट इज 5% ऑफ द कॉस्ट जो कि हर एक बच्चा इंडिया का अफोर्ड कर सकता है. सो दैट इज द रीजन व्हाई आई चूज फिजिक्स वाला. ठीक है. और जो नहीं अफोर्ड कर सकता फिजिक्स वाला, उसके लिए भी खड़ा है. यूट्यूब पे हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं. सरप्राइज ऑफ हाफ डिकेट बहुत बड़ा होने वाला है. जो फाइनेंशियली परेशान है हम उसके लिए भी आ रहे हैं. वी हैव एवरी सोल्यूशन.
तो सर अब तो रात हो गई है और आप तो AM हो आज AM PM में एक्टिव है। दिस इज वेरी गुड सर। आपका केमिस्ट्री में कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है? मतलब टू बी ऑनेस्ट सब पूछते हैं कि फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो ऐसा कुछ है या मतलब अब तो इतना तो फिर मतलब 6-6-6 सर तो मेरा तो 6 साल का एक्सपीरियंस है। टू बी फ्रैंक ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने किसी भी इंस्टीट्यूट में स्पेसिफिकली कुछ पढ़ाया ही नहीं है। मैंने कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाई है, 11th मेरे साथ स्टार्ट होती है बच्चा, 12th तक की जर्नी उसके लास्ट तक लेके जाते हैं, सिलेक्शन होता है तब उसके बाद उसको छोड़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है फिजिकल पढ़ा लिया, ऑर्गेनिक पढ़ा लिया, इनऑर्गेनिक पढ़ा लिया। ठीक है, हाँ जिम्मेवारी अलग अलग दी जा सकती है, दैट इज ओके। ठीक है, बट माई पर्सनली बिलीव कि 2 साल का जो कनेक्शन होता है, वो जो जर्नी होती है, जब बच्चा आता है तो 10th के बाद हाथ पैर कांपने लगते हैं उसके। ठीक है, और जब वो 12th में जाता है, जब उसका मतलब कि आप उसके पेरेंट्स से मिलें, लास्ट ईयर की मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आई वॉज एट सम अदर सिटी, जब रिजल्ट आया नीट का तो मेरे को एक पेरेंट का कॉल आया, उन्होंने बताया कि नीट में सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छा। वो भी अभी देख रहे होंगे मेरे ख्याल से, मैं उसका भी कारण बताता हूँ वो क्यों देख रहे होंगे। तो उनका बेटिया थी, सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छे कॉलेज में। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि सर आपसे मिलना है। मैंने उन्हें बताया मैं सिटी में ही नहीं हूँ, मतलब कि ना, तो कह रहे कहाँ पे हैं? मैंने उन्हें बताया कि मैं साउथ इंडिया में हूँ कहीं पे। ठीक है, तो कह रहे मैं वहाँ आ रहा हूँ बाय एयर। ठीक है, मैंने कहा सर क्यों, मतलब कि आऊँगा मैं 4 दिन बाद आऊँगा, वहीं वापस आऊँगा। ठीक है, कह रहे नहीं मिठाई खिलानी है और आज ही खिलानी है। ठीक है, सो वो जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, प्यार है, आप उसको किसी भी पैसे से मेजर नहीं कर सकते। दैट गर्ल, जो वो लड़की है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो अपनी फैमिली में, पूरी एक्सटेंडेड फैमिली में पहली डॉक्टर है। सर फेमस करना चाहो तो कर दो। उसके फादर देख रहे होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, एंड उनकी ही एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि सर जो आपका रीच है वो बहुत कम बच्चों तक ना रहे, कुछ ऐसा करिए। ठीक है, कि आप सिटी चेंज करें, कुछ भी चेंज करें, बट बच्चों के साथ एसोसिएटेड रहे। उन्हीं की छोटी बहन है। ठीक है, वो अब सिटी के कारण हमारे साथ एसोसिएटेड नहीं थी, वो 10th पास करेगी, 11th में हमारे साथ होगी, ड्यू टू यू। ठीक है, इट्स ड्यू टू यू। So that is Amit Mahajan sir for you with 18 plus years of teaching experience. Sir कहाँ पे आ रहे हैं? सर ऑलरेडी आपके अंदर आ चुके हैं, सर प्रयास बैच के अंदर IIT को पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, सर क्या पेस में भी दिखेंगे? लेट्स कीप इट।